तो यहाँ बैठ चुके हैं हम घोड़ों पे और हमारे घोड़े जाने के लिए तैयार हैं बाबा दर्शन करने के लिए जाने तैयार हो। यहाँ भीड़ देखो कितनी सारी है और बैठे हैं कृष्णा खुशी के पापा और खुशी भी बैठने को तैयार है, अभी खुशी बैठी नहीं है। वेलकम टू गुप्ता बनिया व्लॉग्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज जो जगह में मैं हूँ वो है केदारनाथ और केदारनाथ के ऊपर अब हम चढ़ाई कर रहे हैं। तो सोनप्रयाग में अभी फिलहाल तो हम केदारनाथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम चढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे चढ़ाई करने के बाद फिर हम आगे घोड़ा वगैरह करेंगे तो आपको दिखाएंगे सब कुछ। तो आज आपको मंदिर के फुल दर्शन होने वाले हैं। तो अभी फिलहाल मैं दिखा देती हूँ कैसे कैसे क्या क्या जा रहे हैं हम, तो देखते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। सारे लोग अभी यहाँ पे हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ देखो मम्मी, मम्मी कैसा लग रहा है? मम्मी ने जीन्स टॉप वेयर किया है बिकॉज और आप लोग भी यहाँ बाबा के दर्शन जहाँ जहाँ दर्शन होंगे मैं आपको दिखाऊंगी और आपके दर्शन कराते रहेंगे। और यहाँ मज़ेदार फुल मज़े आने वाला है आज तो। अबे यार हाँ बताओ, तेज आवाज नहीं आ रही होगी इसमें। यहाँ पे सारे आप फुल मस्त चढ़ रहे हैं फिलहाल तो, और फिर आगे जाके देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, दिखाते हैं। यस, तो यहाँ ट्रैकिंग हो रही है फिलहाल तो, फिर आगे ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या होगा। पीछे भी कोई है? हमारा रोहन, सारे लोग हम मस्ती करते जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ इतनी आवाज़ें आ रही हैं, बाय गॉड इतनी आवाज़ें आ रही हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे सोनप्रयाग में यहाँ पे एक झरना है। देखो मैं बिल्कुल शांत होती हूँ, आप आवाज़ सुनो, यानी आ रही है नहीं आ रही है, बट इसमें बहुत ही लाइट सी आवाज़ आ रही है। मैं बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको सुनाई भी देगी। तो पूरी खाई है नीचे, आई थिंक सो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। बहुत ही सुंदर झरना है। इस टाइम पे रात के बज रहे हैं, मैं आपको बता दूँ तीन या दो बज रहे हैं। हम लोग एक बजे के निकले हुए हैं, सब रेडी होके। देखो रात का भी इस टाइम पे टाइम है और इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं एक बजे के हम लोग निकले हुए हैं यहाँ पे और ये देखो अभी सिर्फ तीन ही बज रहे हैं और यहाँ भीड़ देखो। और ये देखो सब हमारे साथ आए हुए हैं, हम लोग सारे इकट्ठे सारे साथ में आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखो हमारे बैग्स कितने सारे हम लोगों ने शोल्डर पे इसको रख के थे, बैग्स को टांग के फिरा रहे थे। तो बस कार देख रहे हैं, कार करेंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि 5 किलोमीटर है ऊपर और भी ऊपर है। देखो सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और भीड़ देखो यहाँ पे, भीड़ चेक करो आप कितनी ज़्यादा केदारनाथ के पास भीड़ हो रही है। भाई सोनप्रयाग में इतनी भीड़ है, केदारनाथ में कितनी भीड़ होगी, तो ये सोच रहे हैं लोग। देखो अभी भी आ रहे हैं, अभी आए जा रहे हैं, मतलब कम नहीं हो रहा ना, लोगों का बढ़े ही जा रहे हैं। ये देखो मज़ा आने वाला है बहुत ऊपर जाके, केदारनाथ में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, हम लोग को लाइन लगानी पड़ेगी। कम से कम 5-6 बज जाएंगे नंबर आने में, इस वजह से हम लोग जल्दी उठे थे और जल्दी उठ के जाना है। ये देख रहे हो आप लोग खच्चर घोड़े सब अपना सामान के ऊपर, मतलब घोड़ों के ऊपर ढो के लेके जा रहे हैं। लोग बहुत हैं इधर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हम लोग को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। घोड़े वगैरह यहाँ मिल नहीं रही है, कार वगैरह बहुत दिक्कत हो रही है। कार भीड़ देखो यहाँ पे, बंगाली नहीं यहाँ से ज़्यादा भीड़ चेक करो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। हाँ भीड़ देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत हो रही है यहाँ पे। कार्स वगैरह की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और लोग थक भी जाते हैं, तो उन्हें सोना भी होता है कार वालों को। तो इस टाइम पे तो ऐसे हो रही है, मारामारी चल रही है कार के पीछे भी, देखते हैं अभी क्या होगा। यहाँ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए देखो कितनी भीड़ जा रही है और यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेला चल रहा हो, बहुत भारी मेला लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखो
इतनी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है। ये देखो हम लोगों को केदारनाथ में एक गाड़ी इतनी मुश्किल से मिली है और हम बैठे कैसे हैं ये देखो। अरे ये देख रहे हो बैठने का गाड़ी में तरीका, ओ माय गॉड, तो यहाँ जगह ही नहीं मिली हम लोगों को, क्या बोल सकते हैं, एक ही गाड़ी में सबको शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो ये देखो यहाँ सारे के सारे मस्त बैठे पड़े हैं और हिलने तक की जगह नहीं है, क्या ही बताया जाए। यहाँ मम्मी बैठी हुई है। केदारनाथ में इतनी भीड़ है कि भाई गाड़ी मिल गई ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बेहतर बात भी लगती है, यहाँ पे सारी इकट्ठी हो चुकी है देखो। यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ देखो घोड़े के जो रेट है वो कितने हैं, कितने हैं भैया घोड़े के रेट? 2540 जो है यहाँ पे घोड़े का एक रेट है, सिर्फ ऊपर जाने जाने का है और नीचे आने का भी पता नहीं है। तो यहाँ पे 2540 रुपए रेट है एक घोड़े का पर पीपल, और उतरने का रेट अलग है इनका। तो यहाँ गवर्नमेंट के रेट है, यहाँ पे ये गवर्नमेंट रेट है। यहाँ पे लोग घोड़े वगैरह करेंगे फिर ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा है, मेरे से कुकड़ी बन गई। तो यहाँ 2540 रुपए रेट है एक घोड़े का, तो देखते हैं अभी कि कौन सा करेंगे कौन सा नहीं करेंगे, दिखाते हैं। तो यहाँ आना हर किसी के बस की बात सच में नहीं है, मैं देख लिया कि यहाँ बहुत इतनी मुश्किल है यहाँ पे आना भाई, कि हर कोई क्यों नहीं आ पाता, क्यों लोगों का ड्रीम प्लेस होता है वो ड्रीम प्लेस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हर कोई आ ही नहीं पाता, किसी की किस्मत में नहीं होता, कोई नहीं आ पाता, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इधर जैसे कि मैं दिखाई रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग भी इंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और इंजॉय करेंगे, मिलते हैं आप लोगों से। वैसे लोगों ने घोड़ा कर लिया है तो यहाँ पे ये घोड़े वाले भैया हैं, हमने 6 घोड़े कर लिए हैं अपने और बाकी मोनू भाई की फैमिली के अलग घोड़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी घोड़े वगैरह सब कर चुके हैं, तो बस अब फिर फटाफट से हम लोग निकलेंगे अभी ऊपर के लिए केदारनाथ के लिए, और फिर बस नॉनस्टॉप चलते रहेंगे और फिर एंजॉय करेंगे फुल टाइम। यहाँ का व्यू देखो, अंधेरा हो रहा है तो कुछ दिखेगा ज़्यादा कुछ नहीं, बट हाँ जितना दिखेगा मैं दिखाऊंगी। एक ऐसी इंसान को देखो, ये इंसान पैदल जा रहा है विदाउट घोड़े के, हम लोग तो भाई घोड़े से जाएंगे। ये देखो फुल पैक हो रखे हैं जैसे कि हम मनाली आए हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, घोड़े बुक कर लिए हैं तो घोड़े की तरफ जा रहे हैं, हम घोड़े पे बैठ के आगे की राइड करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत खड़ी चढ़ाई तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ खड़ी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है बट है, बहुत चढ़ाई है ये देखो, लेकिन हम घोड़े करेंगे, प्रॉब्लम बहुत हो रही है चढ़ने में, इतने में ही हाँ गए हम तो, दिखाते हैं जैसा होता है। ये देखो अब हम लोगों ने डंडे ले लिए हैं यहाँ पे, और डंडे ले लिए हैं यहाँ पे हम लोगों ने चढ़ने के लिए, मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा। वैसे देखो सबने डंडे ले लिए, मैंने भी डंडा लिया है, बहुत चढ़ने में ऊपर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि जहाँ भी लोग छोड़ेगा वहीं पर देखते हैं ऐसा होता है। देखो सब डंडे ले लिए अपने अपने, डंडों की वजह से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, चलने में प्रॉब्लम थोड़ी कम हो रही है, और यहाँ देखो सब चल रहे हैं, और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, बट मैं अभी नहीं दिखेगा, जब मैं उतरूँगी यहाँ से तब मैं ज़रूर दिखाऊँगी क्योंकि तो उस टाइम पे दिन हो रहा होगा, अभी तो ये रात तो कुछ दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, पीछे भी और भी लोग आ रहे हैं, तो चलते रहो, यहाँ तो खाली पड़ा है फिलहाल, तो बढ़ते हैं आगे फिर दिखाते हैं आपको जैसा जैसा होता है। व्यू देखो धीरे धीरे दिन हो रहा है तो व्यू और भी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा दिन होगा ना और भी ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, और भी ज़्यादा सुंदर व्यू लगता जाएगा। ये भीड़ देखो यहाँ पे, भीड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और केदारनाथ मूवी आपने देखी होगी, उसके अंदर केदारनाथ मूवी के अंदर भी डंडे लेके जाते हैं, तो डंडे ज़रूर परचेज करें, तो
आपको दिक्कत भी होगी चढ़ने में, कोई भी अगर यहाँ पे आ रहा है तो। अभी घोड़े का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं, देन हम लोग घोड़े पे बैठ के जाएंगे आगे की तरफ। अभी हम घोड़े की तरफ बढ़ रहे हैं कि वहाँ पे घोड़ा है। मिलते हैं आपसे फिर। जगह देखो यार, अब धीरे धीरे दिन हो रहा है तो आप लोगों को दिखाई देगा धीरे धीरे कितनी ब्यूटीफुल जगह है। मैं आपको नहीं बता सकती, कैमरा हर चीज़ एनालाइज नहीं कर सकता, क्या सिर्फ कैमरे में हर चीज़ें एनालाइज नहीं हो सकती हैं। इस वजह से यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बट यहाँ पर थोड़ा दिन होने दो फिर आप लोगों को दिखाई देगा। ये देखो घोड़े जा रहे हैं लाइन से, कितने घोड़े जा रहे हैं, ये लाइन से जा रहे हैं क्योंकि इसलिए क्योंकि अब आइए बुक हो रखे होंगे घोड़े, और बुकिंग के लिए भी जाते हैं लोग कि मतलब हाँ आराम से बुकिंग वगैरह भी होती है घोड़े की, तो इस वजह से घोड़े जा रहे हैं जिनकी बुक हो रखी है उनके लिए जा रहे हैं। अब इन पर बैठ के जाएंगे, हमारी भी बुक हो रखी है तो हम भी जाएंगे। भीड़ आप चेक करोगे, घोड़े देखो लाइन से खड़े हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं। व्यू चेक करो, व्यू कितना बढ़िया लग रहा है, मैं भी आपको नहीं बता सकती, कैमरा एनालाइज नहीं कर सकता, अगेन आई सेड, बट लेकिन ये धीरे धीरे आपको वीडियोस में मज़ा आएगा, बिकॉज थोड़ा दिन होने दो तो मज़ा आएगा। यहाँ पे भोले बाबा के इतने सारे जयकारे लग रहे हैं, ये देखो आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, बहुत भीड़ है। एनर्जी बूस्टर, ये हमारी फ्रूटी। यहाँ पे भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, अभी तो थक गए थे हम लोग, बहुत बिल्कुल ही पसीने आना शुरू हो गए थे, ठंड भी हो रही है, पसीने भी आ रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। व्यू थोड़ी देर बाद दिखाई देगा जैसे ही मतलब अंधेरा थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखो झरने वगैरह बहुत चीज़ें हैं, बट कैमरे में हर चीज़ नहीं दिख सकती जो आई से दिख सकती है, हमारी आँखों इतना आँखों देखी जो चीज़ इतना मस्त होती हैं। आप खुद आके यहाँ देखो, यहाँ पर तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है। देखो यहाँ पर बहुत लाइट दिख रहा है, बट ये देखो झरना वहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे, बट थोड़ी रोशनी और हो जाए ना तो और मज़ा आ जाएगा। ये देखो ये झरना देख रहे हो क्या मस्त है, और यहाँ भीड़ देखो यहाँ पे भीड़ देखो घोड़े देखो भीड़ देखो। यहाँ पे बस घोड़े वगैरह सब चीज़ हैं, तो अब बस हम घोड़े पे बैठेंगे फिर दिखाते हैं। यहाँ का तो प्लान ही चेंज हो गया, यहाँ तो पहले पैदल जाया जा रहा था, तो बस हम घोड़े से जाएंगे क्योंकि यहाँ दिक्कत भी बहुत हो रही है और हमें आगे के टूर्स भी करने हैं। लेट्स वे हम सारे अब घोड़े से ही जाएंगे, दिखाते हैं जैसे जैसे होता है। अभी तो वैसे भी थोड़ा बहुत उजाला हो गया तो अच्छा बन रही है, थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रहा है सही से। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिन हो गया है तो अब व्यू अच्छा आ रहा है। ये देखो घोड़े खच्चर सब खड़े हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे कृष्णा रोहन वहाँ गौरव और आंटी यहाँ मम्मी। पहाड़ी कुत्ते इतने सुंदर लगते हैं, पहाड़ी डॉग्स आँखें इतनी मस्त चमक रही है, देखो ये और एक ये क्या मस्त लग रहे हैं, ये दोस्त है ओके सॉफ्ट है ये बाल देनी ना प्यारा लग रहा है। क्या बोलते हो आंटी, ले ले जाओ इसको, मर जा रहे हैं शेरू, चलो बाबू को इसको ना यही मजा आता होगा, वो भी चुप जाता होगा, अपने आप आके बैठ गया, बहुत ही प्यारा कुत्ता है। तो यहाँ बैठ चुके हैं हम घोड़ों पे और हमारे घोड़े जाने के लिए तैयार है, बाबा दर्शन करने के लिए जाने के तैयार है। यहाँ भीड़ देखो कितनी सारी है और बैठे हैं कृष्णा खुशी के पापा और खुशी भी बैठने को तैयार है, अभी खुशी बैठी नहीं है। सारे भाई लोग बाबा के दर्शन के लिए तैयार हैं, बाबा केदारनाथ। अब देखो वहाँ से जाएंगे हम चढ़ाई करते हुए जैसा जैसा भी होगा आपको दिखाया जाएगा। और ये बैठे हैं मिश्रा जी, मैं गौरव, सुनीता, बाकी कृष्णा भी बैठ चुका है,
खुशी भी बैठने वाली है, अभी पता नहीं खुशी कौन से घोड़े पे बैठेगी। खुशी घोड़ा चूज कर रही है, पूरी खुशी जो घोड़ा चूज करती है फिर आपको दिखाती हूँ मैं खुशी बैठती हूँ। ये बैठ चुकी है खुशी भी घोड़े पे, खुशी ने चूज किया ये वाला घोड़ा और मैंने किया है ये घोड़ा। खुशी कह रही है मेरा घोड़ा सबसे अच्छा है, तो हमारा भी अच्छा है, बाकी घोड़े सभी अच्छे हैं। ये देखो यहाँ कितनी भीड़ है और यहाँ का व्यू, ये पहाड़ बहुत ऊँचे पहाड़ है, अभी हमें बहुत ऊँचाई पे जाना है। कम से कम हम 3-4 घंटे में पहुँचेंगे सोनप्रयाग से ऊपर के लिए बाबा केदारनाथ के लिए, तो 3-4 घंटे में हमारा सफ़र पूरा होगा। हो सकता है 3 घंटे में, हो सकता है 4 घंटे में, तो गाइस चलते चलते आपको व्यू दिखाती रहूँगी मैं रास्ते में। तो तब तक के लिए